हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के घर थोड़ा काम से। आप सोच रहे होंगे ना बैग लेके कहाँ जा रहा हूँ। चलो, तो ये है हमारा फरारी जिसको निकालने का वक्त आ गया है। तो हम पहुंच गए इसका घर। ये है बेसिकली इसका गली। यहाँ पे बेसिकली कुत्ता रहता है जो अभी देखेगा तो मेरे को भौंकेगा, तो मैं उसको कॉल करके बुलाता हूँ नीचे। ये है वो कुत्ता जिससे हम सख्त दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि ये भौंकता है तो रूह कांप जाता है। बेसिकली मैं अपने एक दोस्त के घर में आया हूँ और मेरा दोस्त थोड़ा बाहर गया है किसी काम से। उसने मुझे दो बार कॉल किया था लेकिन मैं उठा नहीं पाया, मेरा पॉकेट में साइलेंट था फ़ोन। तो थोड़ा बैठे हैं, देखते हैं कब तक आता है। तो गाइस, तो मेरा ये पहला व्लॉग है जो मैंने 4K पे एडिट करके अपलोड किया था। ये 4K YouTube को रेंडर करने में शायद 2 घंटा लग गया, क्योंकि मैं जैसे ही अपलोड किया उसके बाद 4K नहीं दिखा रहा था। तो मैंने वेट किया 1-1.5 घंटा, तो उसके बाद जाके वो 4K दिखा रहा है। बात है ब्रो, क्या बात है 4K। अब हम देखेंगे अपना वीडियो 4K में। तो बेसिकली 4K पे वीडियो उतना नेट फास्ट नहीं चल रहा है, तो वीडियो सही से चल नहीं रहा है, बहुत बार बफर हो रहा है। 4K में जानते हो नेट कितना चाहिए होता है। तो कल बेसिकली मैंने 4 वीडियो उड़ा दिए थे अपने चैनल से। तो देखिए क्या शो कर रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये शो कर रहा है कि डाटा इज़ अनरिपोर्टेड फॉर सम डेट्स। तो ऐसा तब होता है, मैंने YouTube में काफ़ी रिसर्च किया, ऐसा तब होता है जब आप वीडियो उड़ा देते हो अपने चैनल से और वॉच टाइम मतलब काउंट हो चुका होता है, लेकिन वीडियो उड़ाने के वजह से जो वॉच टाइम काउंट होता है वो आप गंवा चुके हो वीडियो, तो इसलिए वो रिकैलकुलेट होगा। अब जितने भी वीडियो आप छोड़ोगे तो इसलिए शायद ये दिखा रहा है, लेकिन मेरे को अच्छे से मालूम नहीं है। आई एम नॉट 100% श्योर। तो अगर किसी को मालूम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ये भी क्या है, मेरे को नहीं पता है ढंग से। ये बेसिकली जो लिखा है वो पढ़ के तो यही पता चल रहा है कि मैं इतने दिन से कंसिस्टेंट नहीं था मेरे चैनल पे, तो अभी मैं फिर से कंसिस्टेंट हूँ, तो शायद YouTube ने नोट किया होगा इस चीज़ को। हो सकता है, मेरे को करेक्ट करो अगर मैं गलत हूँ। आप लोग बता सकते हो ये सब क्या है, मेरे को उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को जितना पता है मैंने बता दिया। तो बेसिकली मेरे को लग रहा है कि लेट होगा उसका आते आते, क्योंकि ऑलरेडी अभी 45 मिनट्स हो चुका है मेरा यहाँ पे आके बैठे होते हुए। तो बेसिकली अभी मैं घर से निकल गया था क्योंकि मेरा दोस्त मेरे को फ़ोन किया था और बोल रहा था कि अभी तो चला जा, मेरे को थोड़ा लेट होगा आने में। मैंने बोला ठीक है, तो चला जाता हूँ मैं। तो मैं गेट से जैसे ही निकला फिर वो कॉल करता है, बोलता है कि रुक जा मैं आ रहा हूँ। 10 मिनट क्या हुआ आ रहा है? तो बोलता है नहीं मैं आ रहा हूँ। और मैं बोला कोई जल्दबाजी तो करने का ज़रूरत नहीं है तेरे को, तो छोड़, मैं कभी और दिए ना जाऊँगा। बोलता है नहीं यार, तेरे को बैठा के रखा था तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आ रहा हूँ। बोला ठीक है, तो तू अंदर जाके बैठ। बोला ठीक है, अंदर जाके बैठता हूँ तो आराम से। तो आज का मेरा काम तो हुआ नहीं, उल्टा काम बढ़ गया। इससे एक चीज़ मेरे को सीखने मिला कि जिस दिन आपका दिन बुरा हो तो उस दिन आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरा आज दिन ख़राब था तो इसलिए काम मेरा और बढ़ गया, लेकिन कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। तो अभी बज रहे हैं 2, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं आपसे तब मिलता हूँ जब मैं घर पहुँचूंगा। रास्ता पूरा सुनसान हो गया, तो मैं घर पहुँच गया। देखता हूँ ये काम अभी कंप्लीट करता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो टाइम टू लीव फॉर माय फिजिक्स ट्यूशन। तो खाना खा लिया, जब भी वापस आऊँगा मिलता हूँ। तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ ट्यूशन के लिए। इतना तेज हवा दे रहा है ना, मतलब लग रहा है फोन हाथ से उड़ जाएगा। अब ट्यूशन से जब छुट्टी होगा तभी मैं आपसे मिलूंगा। तो फिलहाल टाइम आ गया है कैमरा को बैग में घुसाने का। तो अभी मैं ट्यूशन से जस्ट घर वापस आया। अभी थोड़ा मैं बाहर जाऊंगा एक दोस्त के साथ, वही जिसके पास मैं सुबह गया था। मैं पार्किंग लॉट पे साइकिल पार्क कर दिया। फिलहाल हम थोड़ा मॉल घुस रहे हैं, तो आज काफ़ी दिन बाद आया हूँ और मेरे साथ एक दोस्त है, लेकिन कैमरा में दिखाऊंगा नहीं मैं। खाना आ गया है और भोजन प्रदान कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी हम मॉल से निकल चुके हैं, तो मॉल के अंदर ज़्यादा कुछ ब्लॉग करने को दिखा नहीं, तो मैंने ब्लॉग उतना किया नहीं। और यहाँ पे मैं आते रहता हूँ, तो अब मैंने जब ब्लॉगिंग चालू कर ही लिया है तो आगे भी ब्लॉग करूँगा। और पता नहीं आज सिटी सेंटर कुछ ज़्यादा ही खाली खाली लग रहा है, जैसे लग रहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा वीडियो दे देता हूँ। और क्या परफेक्ट वेदर है, मतलब आज लाइटिंग भी यहाँ पे अच्छा पड़ रहा था। क्या परफेक्ट वेदर है, मतलब हवा भी काइंड ऑफ इतना मज़ा आ रहा है हवा में। और क्या हवा दे रहा है बॉस, मतलब आज दिल खुश हो गया ब्लॉग करके ऐसे वेदर में। आपको पता है वेदर अच्छा रहता है तो मूड भी कैसा अच्छा रहता है।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। तो अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट करो मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल कमेंट्स उतना नहीं आ रहा है। आशा करता हूँ कि आगे का ब्लॉग्स मैं और अच्छा बना सकूँ। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। फिल्मिंग ऑन द जंक्शन मॉल लिफ्ट, और मेरे साथ एक दोस्त है। क्या दिखाऊं मैं उसको? नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है कैमरा के सामने।